सीरीज ऑफ वेक्टर कैलकुलस के 14th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ बताऊंगा। ये थ्योरम थोड़ा लंबा होता है तो ऑब्वियस है कि ये वीडियो भी लंबा होगा। आप पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेस। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। मैं वेक्टर कैलकुलस सीरीज में 13th वीडियो इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जा करके देख सकते हैं या फिर आप आई बटन ऊपर प्रेस करके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस सीरीज का प्लेलिस्ट है एक, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके फीडबैक के अनुसार कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है कि इफ वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेसेस। एक क्लोज सरफेस आप लीजिए, एक थ्री डायमेंशनल फिगर ले लीजिए, सपोज कीजिए इस तरीके का कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, यानी कि यहाँ पर एक इस तरीके से आप बना दीजिए ताकि आपको लगे कि ये थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल लुक मैं दे रहा हूँ इसको। तो ये सपोज कीजिए थ्री डायमेंशनल फिगर है और ये सरफेस जो चारों तरफ से घिरा हुआ सरफेस है वो सरफेस ऐसे, और ये जो पूरे सरफेस, ये पूरे जो थ्री डायमेंशनल फिगर है इसका वॉल्यूम भी मान रहे हैं, तो वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है ऐसे, एंड एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन विथ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन वी। और एफ जो है वो कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले रहे हैं और ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये पूरे वॉल्यूम के प्रत्येक पॉइंट पर कहीं पर भी ये डिफाइंड है और साथ में कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है इस वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में कहीं पर भी ये। अब ये कहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कहना है कि एफ का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो इसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी एफ फंक्शन का हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी बताऊंगा। तो ये नॉर्मल जो सरफेस इंटीग्रल होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का वो इसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा, जहां एन है क्या, एन इज द आउटवर्ड ड्राउन यूनिट वेक्टर टू एस। आउटवर्ड ड्राउन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पर ये हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे सरफेस में कहीं पर एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक हम लोग नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एन मान रहे हैं। तो इस थ्योरम का कहना है कि एफ का जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल है वो इसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल क्या है, जरा इसके बारे में देखिए। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर आई है, और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसका जे है। अब हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर फंक्शन ले रहे हैं या वेक्टर ले रहे हैं, कोई भी वेक्टर एफ ले रहे हैं। सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता होगा कि एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। कंपोनेंट क्या होता है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो एफ कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है। तो किसी वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट निकालना है तो एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के एलोंग निकालना है तो एफ साइन थीटा। अब देखिए आप ये एफ डॉट आई निकालते हैं, एफ और आई का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड फिर सेकेंड का मैग्नीट्यूड, तो और उसके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन,
तो f का मैग्नीट्यूड को सिंपली f लिखेंगे, वेक्टर फंक्शन f का मैग्नीट्यूड को सिंपली f, और i जो है i कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है ये, तो ये 1 हो गया और यहाँ पर cos थीटा बचा। तो f cos थीटा क्या है, ये कंपोनेंट है वेक्टर f का। तो f डॉट i क्या बता रहा है, f डॉट i, f को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कंपोनेंट बता देगा, यानी कि ये om के बराबर हो जाएगा। om इक्वल टू क्या हो गया, f डॉट i। तो वेक्टर f को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर ये f का i डायरेक्शन में कंपोनेंट बता रहा है। तो सपोज कीजिए ये सरफेस है, n डायरेक्शन है ये, और f मान लीजिए कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इस पॉइंट पर हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर आया, और ये दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, या एंगल को आप छोड़ दीजिए, अगर f डॉट n भी निकालते हैं, f डॉट n, तो f डॉट n क्या बताएगा, अभी मैं बताया हूँ कि f को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर इस f का i के डायरेक्शन में कंपोनेंट बता रहा है, तो f डॉट i n निकालेंगे तो f का n डायरेक्शन में कंपोनेंट बताएगा, n तो नॉर्मल है। तो ये जो f डॉट n है इस वेक्टर फंक्शन का नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट बता देगा। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ f डॉट n, ये वेक्टर फंक्शन f का नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसीलिए ये जो सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं इसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका इंटीग्रल है, तो इसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहेंगे। तो अब ये जो स्टेटमेंट मैं अभी बताया हूँ, इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ ओवर ए क्लोज सरफेस एस इंक्लूडिंग ये वॉल्यूम वी। देखिए एफ जो है वो कोई भी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ ओवर ये क्लोज सरफेस एस, क्लोज सरफेस एस में ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इसका जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये क्या बता रहा है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल। तो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ टेकन टेक्स ओवर द वॉल्यूम वी। तो ये किसके इक्वल होता है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल वेक्टर फंक्शन के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, और यहाँ पर किसके किस में वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, टेक्स ओवर द वॉल्यूम वी, वी वॉल्यूम में पूरे में हम लोग को इसको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है डाइवर्जेंस को। तो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कहना है। तो अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, जरा प्रूफ समझिए। अब थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, जहाँ एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है, ये जो है एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, वेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड देयर डेरिवेटिव्स एट एनी पॉइंट इन वी आर कंटिन्यूस। और चूंकि ये जो फंक्शन है पूरे वॉल्यूम में कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर f1, f2, f3 जो फंक्शन ले रहे हैं वो उसका भी डेरिवेटिव जो होगा वो कंटिन्यूस होगा इस भी वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो ये डेरिवेटिव जो आ रहा है ये तीनों फंक्शन का वो कंटिन्यूस भी होगा। ये f1, f2 जैसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लिखते कैसे है, मान लीजिए एफ जो है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसको हम लोग लिख देते हैं टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप, तो ये जो है वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। तो यहाँ जो फंक्शन आ रहा है इसी को हम लोग क्या करें, एफ वन एफ वन आई कैप प्लस ये जो फंक्शन आ रहा है एफ टू आ रहा है एफ टू जे कैप, और प्लस ये फंक्शन को हम लोग एफ थ्री कह रहे हैं एफ थ्री के कैप। तो एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, देख रहे हैं आप एफ वन जो है वो एक्स वाई जेड भी हो सकता है यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और ये तीनों जो फंक्शन आएगा एफ वन एफ टू एफ थ्री वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा इस पूरे वॉल्यूम के किसी भी पॉइंट पर। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, तो ना डाइवर्जेंस, यहाँ पर डाइवर्जेंस का जरूरत है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालिए। तो डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट एफ होता है, तो डेल का मतलब क्या है, डेल होता है एक डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो डेल हो गया। और डॉट एफ, एफ क्या है, एफ जो है वो एफ वन आई कैप, यहाँ पर हम लोग सपोज किए हैं एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप है, तो ये पहले से सपोज कर लिए हैं। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे,
इसका होता है कि ये आई का कोएफिशिएंट और यहाँ का आई का कोएफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिफरेंशिएट होगा, ये ऑपरेट करेगा इसको, तो ये हो जाएगा डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल एक्स, फिर जे का जो कोएफिशिएंट है वो ऑपरेट करेगा तो डेल बाय डेल वाई एफ टू में लगेगा, तो डेल एफ टू डिवाइडेड बाय डेल वाई हो जाएगा, और ये जब फिर एफ थ्री में ऑपरेट होगा तो डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाय डेल जेड हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस हो गया। अब हम लोग को ये थ्योरम जो प्रूफ करना है, थ्योरम में यही दोनों को इक्वल दिखाना है, तो इन ऑर्डर टू, यहाँ पर लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव द थ्योरम, हम लोग को जो थ्योरम प्रूफ करना है, प्रूव द थ्योरम, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग प्रूफ करेंगे या हम लोग को प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट इन, एफ है क्या, एफ हम लोग अभी सपोज किए हैं, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप और डॉट इन, और ये एस सरफेस में इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है यहाँ पर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को आप लिखेंगे कैसे, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं यहाँ पर, इसको हम लोग नंबर टू कर देते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करना है, डेल एफ वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ टू डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाई डेल जेड, तो इसी को इंटीग्रेट करना है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ डी वी, तो जब एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिए तो डी वी का वैल्यू क्या होता है, डी वी के जगह डी एक्स डी वाई और डी जेड हम लोग लिखेंगे, क्योंकि जब एक्स वाई जेड में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, ये फंक्शन जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो डी वी के बदले डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। ये सब चीज़ आपको मैं सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल सभी पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं या मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं, तो उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग डी वी के बदले ये लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ को प्रूफ करना है, तो इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको अब प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट हैंड साइड दिखा देंगे। तो राइट हैंड साइड में हम लोग ये तीन पार्ट कर देते हैं, इसको तीन पार्ट कैसे करते हैं, हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाई डेल जेड को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक का ही सिर्फ इंटीग्रल निकालेंगे, सिर्फ थर्ड वाला का हम लोग निकालेंगे, और जैसा थर्ड का इंटीग्रल निकलेगा वैसा ही सिमिलरली सेकेंड और फर्स्ट का हम लोग एफ टू का और एफ वन का डायरेक्ट हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने के बाद उसका जो सम आएगा वो इसके इक्वल हम लोग दिखा देंगे, तो यही प्रोसेस होगा। तो अब इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, जो सरफेस यहाँ पर एस दिया हुआ है उस सरफेस का एक फिगर बनाते हैं और सिर्फ इसको हम लोग इंटीग्रेट करके चलते हैं, इसका इंटीग्रल लेकर के चलते हैं, बाकी सिमिलरली बाकी दोनों को हम लोग लिखेंगे। तो अब आगे देखिए कि क्या होता है, जो मैं रिजल्ट यहाँ लिखा हूँ वो सभी को इरेज करता हूँ और वन टू थ्री जो इक्वेशन है मैं सिर्फ उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हम लोग देखिए कि ये थर्ड इक्वेशन तक हम लोग लिखे थे, अब आगे बढ़ते हैं कि लेट एस बी ए क्लोज सरफेस सच दैट इट इज पॉसिबल टू चूज ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट एनी लाइन पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस कट एस इन एटमोस्ट टू पॉइंट्स। हम लोग एक सरफेस ये ले रहे हैं, यही सरफेस जो आप थ्री डायमेंशनल फिगर ये देख रहे हैं कि ये सरफेस है और इस सरफेस को ही हम लोग एस मान रहे हैं, और ये सरफेस ऐसा हम लोग ले रहे हैं ताकि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाए हम लोग को, और ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलना चाहिए ताकि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करे तो इस सरफेस को मैक्सिमम टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जैसे आप सपोज कीजिए, देखिए कि अगर हम लोग जेड एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट पर इस सरफेस को काटेगा, दो पॉइंट पर काटेगा, एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है, या अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम दो पॉइंट पर, या y एक्सिस के पैरेलल भी दो पॉइंट पर। जैसे आप एक स्फीयर ले लीजिए या इलिप्टिकल चीज ले लीजिए, तो अगर स्फीयर है तो स्फीयर को कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो उसको मैक्सिमम टू पॉइंट पर काटेगा। मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर स्फीयर है ये, तो इस स्फीयर में अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, या यहाँ पर जो है वो
एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर रहा है अगर टेंजेंट है तो, या फिर मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, दो पॉइंट पर, या तो टच इंटरसेक्ट नहीं किया या एक पॉइंट पर या फिर दो पॉइंट पर, तो मैक्सिमम टू पॉइंट पर हुआ, तो ये मैक्सिमम टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा ही पहले सरफेस लेना, इसके अलावा अगर कोई दूसरा सरफेस है तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो हम लोग जो सरफेस ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सेज इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है ताकि उसको मैक्सिमम दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं कि लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब ये जो थ्री डायमेंशनल फिगर है स्पेस में कहीं पर भी है, तो उसका जब एक्स वाई प्लेन पर हम लोग उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करते हैं, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो आ रहा है वो रीजन आर मान लेते हैं, ये जो रीजन है वो आर है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है वो मैं सरफेस इंटीग्रल वगैरह में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है उसको हम लोग आर मान लिए, और ये लाइन थ्रू ये पॉइंट एक्स वाई जी एक्स वाई जीरो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जीरो। क्यों जीरो, जेड कोऑर्डिनेट क्यों जीरो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स वाई प्लेन के प्रत्येक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से हम लोग जेड एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो मीट्स द बाउंड्री ऑफ एस इन टू पॉइंट्स। ये एस के, इसको अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो इसके दो पॉइंट पर मीट करेगा। कैसे, देखिए ये इस तरीके से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जीरो है, और इसको हम लोग कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस सरफेस पर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, थ्री डायमेंशनल फिगर दिया, ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप इमेजिन कीजिए। तो ये जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जब लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इस जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और इसका जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पर है तो इसका जीरो होगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट कौन सा डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट होगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो ये दोनों का जेड कोऑर्डिनेट ही वैरी करेगा, बाकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, इसका इसका और इसका, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट वैरी करेगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका जेड कोऑर्डिनेट जो भी अभी मानेंगे हम लोग, और इसका जेड कोऑर्डिनेट अलग आएगा। तो हम लोग मानते हैं कि जेड वन इक्वल टू, ये जो मिट कर रहा है ये लाइन जो है वो इसके सरफेस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जेड वन इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई और जेड टू इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स वाई, वेयर जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन। अब ये क्या है जरा समझिए, इस सरफेस को जो पूरा सरफेस एस है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे दो पार्ट में, जरा समझिएगा इसको, कि एक स्फीयर लेते हैं हम लोग, ये स्फीयर ले लिए, और ये स्फीयर का हम लोग अगर इक्वेशन की बात करें तो सपोज कीजिए ये जो है वो बीच का पोर्शन है, तो एक्स एक्सिस मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, और इसका रेडियस यानी कि सेंटर हो गया, ओरिजिन जो है ओरिजिन सेंटर पर आ गया, और इसका रेडियस को हम लोग ए मान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है इस सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में, एक ऊपर एक पार्ट और एक नीचे एक पार्ट। तो ऊपर का जेड कोऑर्डिनेट अलग होगा और नीचे का जेड कोऑर्डिनेट अलग होगा। कैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर जेड स्क्वायर निकालें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों को उधर ले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो इधर रूट अंडर लेंगे, तो रूट अंडर लेने पर प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर दो जेड कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दो जेड कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। तो किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होगा, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट सरफेस स्फीयर पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट आएगा पॉजिटिव, यानी कि जेड इक्वल टू प्लस में आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स वाई प्लेन के नीचे अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसका जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इस स्फेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर एक अलग पार्ट हो गया, नीचे एक अलग पार्ट हो गया, तो ऊपर और नीचे दोनों का जेड कोऑर्डिनेट डिफर कर रहा है। तो यहाँ जो जेड का वैल्यू आ रहा है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ टू ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का एक फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन को हम लोग एफ टू मान रहे हैं। और इस फंक्शन को यहाँ पर नीचे एक थोड़ा सा अलग फंक्शन आ गया, ये पॉजिटिव में आ रहा है और एक नेगेटिव में, तो इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं एफ वन ऑफ एक्स वाई। तो दो फंक्शन यहाँ पर हो गया, नीचे का इक्वेशन अलग हो गया और ऊपर का इक्वेशन अलग आ गया। तो नीचे जो सरफेस आ रहा है उसका इक्वेशन जेड इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ऊपर जो इक्वेशन आ रहा है उसका जेड इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर इसका जेड कोऑर्डिनेट को जेड टू माने और इसका जेड कोऑर्डिनेट को जेड वन माने, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जेड टू इसको मान रहे हैं हम लोग और जेड वन इसको मान रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ का पुट कर दिया जाए तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पुट करने से जेड कोऑर्डिनेट इसका निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर भी इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो जेड वन कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो दोनों अगर एक्स ये जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो दोनों का एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। तो इस फंक्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसका जेड कोऑर्डिनेट, और इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका जेड कोऑर्डिनेट। तो जो हम लोग यहाँ पर दो पार्ट ले रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं एस वन, और इसका इक्वेशन हम लोग मानते हैं कि इसका इक्वेशन है, सॉरी ये हम लोग एस टू कर देते हैं, दो पार्ट हम लोग ले रहे हैं इसको, ये ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा है उस सरफेस को एस टू कह रहे हैं, और एस टू का जो इक्वेशन आएगा, एस टू का इक्वेशन आएगा जेड इक्वल टू हम लोग सपोज करते हैं एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। और ये जो नीचे आ रहा है सरफेस, ये आप देख रहे हैं दो पार्ट है, तो नीचे वाला जो सरफेस आ रहा है उस सरफेस को हम लोग एस वन कह रहे हैं, और उसका इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं जेड इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई। और यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड टू मान रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग पी वन कह रहे हैं, और ये हो गया एक्स वाई और इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड टू। और यहाँ जो पी पॉइंट ले रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं पी वन, और इस पी वन पॉइंट का, सॉरी इसको हम लोग पी टू कह देते हैं क्योंकि सब ऊपर वाला जो ले रहे हैं एस टू ले रहे हैं एफ टू ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को पी टू कह रहे हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाई और जेड टू कोऑर्डिनेट कह देते हैं, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो मैं बता रहा था कि ये जब लाइन है जेड एक्सिस के पैरेलल तो सभी पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। तो इसका जेड कोऑर्डिनेट को हम लोग जेड वन कह रहे हैं और इसका जेड कोऑर्डिनेट को हम लोग जेड टू कह रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप, तो ये जो लाइन हम लोग लिए हैं ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जेड वन निकल जाएगा एफ वन ऑफ एक्स वाई, और इसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वेशन में, जो ऊपर का इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है तो ऊपर के इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जेड टू निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि लेट द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स बी, जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसका जेड कोऑर्डिनेट एक जेड वन इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और दूसरे का जेड टू इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। और किसका ज़्यादा होगा जेड कोऑर्डिनेट, ऊपर ऑब्वियस है कि ऊपर वाला पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, नीचे का कम होगा, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड टू है, तो जेड टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड वन। तो इक्वल टू कहाँ आएगा, अगर ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये पॉइंट आएगा दोनों का ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला का ये कॉमन पोर्शन आएगा, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। अगर ऐसा पॉइंट लेते हैं तो ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ जो पॉइंट आएगा जो ऊपर और नीचे का कॉमन पॉइंट है तो वहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। अब देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, या ध्यान दीजिएगा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग राइट हैंड साइड में सिर्फ इस इंटीग्रल को निकालेंगे, बाकी दोनों को सिमिलरली निकाल लेंगे, तो इस इंटीग्रल को लेकर के चलते हैं हम लोग सिर्फ नाउ। अब हम लोग ये लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, और किसका लेना है, डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाय डेल जेड, और इसको इंटीग्रेट करना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको f3 को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो z के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डेल f3 डिवाइडेड बाय डेल z, और इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फिर x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना और किस में, वॉल्यूम भी में इंटीग्रेट करना है, तो वॉल्यूम भी में z कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं। ये जो एलिमेंट्री एरिया है ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी एस वन से,
सॉरी डी एच टू से डिनोट करते हैं, और यहाँ जो एलिमेंट्री एरिया आ रहा है ये एलिमेंट्री एरिया को हम लोग डी एस वन कह रहे हैं। तो ये दो एलिमेंट्री एरिया हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्री एरिया में ये जो पॉइंट ले रहे हैं इसका जेड कोऑर्डिनेट और इसका जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जेड वन से जेड टू तक वेरी कर रहा है। इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड वन है और इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जेड टू है। तो ये जो है जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है जेड वन से जेड टू तक। तो जेड वन का वैल्यू है क्या, जेड वन का वैल्यू है एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और जेड टू का वैल्यू क्या है एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैं अभी पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जेड वन से जेड टू वेरी कर रहा है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जो हम लोग फिर ये इंटीग्रल जब कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी जो इंटीग्रेट करना है उसमें सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस स्पेस का जो वेरी करेगा उसको हम लोग ये प्रोजेक्शन में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सभी का सेम होगा, मैं बता रहा था। तो यहाँ पर पूरे रीजन आर में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब वॉल्यूम की नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो बाकी जो डबल इंटीग्रल बचेगा उसको हम लोग ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं उस रीजन में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका जैसे भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, इसका जैसे जैसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा उसी तरीके से इसका भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा इस रीजन में उसी तरीके से सरफेस में भी वेरी करेगा। तो हम सिर्फ आर रीजन में हम लोग उसके बाद जो डबल इंटीग्रल बचेगा उसको आर रीजन में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए आर रीजन में इंटीग्रेट करना, और इसका क्या होगा, एफ थ्री का डिफरेंशियल है और फिर इसका इंटीग्रल है, तो एफ थ्री को डिफरेंशिएट भी करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ एफ थ्री बच जाएगा, और एफ थ्री जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, और इसमें लिमिट बैठाना है हम लोग को जेड टू इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर बैठाना है जेड वन इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद फिर हम लोग x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब ये देखिए कि ये जो इंटीग्रल बाकी है यहाँ पर रीजन R में इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, अब क्या करेंगे, इसको अपर लिमिट बैठाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो f3 ऑफ x कॉमा y और z का वैल्यू क्या बैठाएंगे, z का वैल्यू ये बैठाएंगे, z2 बैठाएंगे, और z2 का वैल्यू है क्या, f2 फंक्शन के इक्वल है, तो f2 जो है वो xy का फंक्शन होगा, तो सिर्फ हम लोग f2 लिख रहे हैं, और माइनस फिर लोअर लिमिट बैठा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो f3 ऑफ x कॉमा y कॉमा z, z की जगह हम लोग सिर्फ क्या बैठा रहे हैं, f1 बैठा रहे हैं। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रीजन R में। तो अब रीजन R में कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल हम लोग नंबर डाल देते हैं 4। अब इसको कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, f3 जो फंक्शन आ रहा है वो एक्स वाई का फंक्शन है, क्योंकि ये भी x है ये y है, और f2 जो है वो क्या है, f2 जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये कंप्लीट एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है f3 फंक्शन, और यहाँ पर भी f1 जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, कि ये तो f3 जो है वो x और y का फंक्शन है, और f1 भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये कंप्लीट f3 जो कैपिटल f3 आ रहा है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ये इक्वेशन 4 तक हम लोग कर लिए हैं, अब आगे देखिए क्या करते हैं कि लेट अस डिनोट द पोर्शन ऑफ द सरफेस एस करिस्पॉन्डिंग टू दिस। मैं अभी बताया था कि इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन को S2 कह रहे हैं और नीचे वाला पोर्शन को S1 कह रहे हैं, और ये जो पोर्शन आ रहा है इस सरफेस का इक्वेशन z इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई, और ऊपर वाला का z इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स वाई, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट अस डिनोट द पोर्शन ऑफ सरफेस एस करिस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है नीचे वाला फंक्शन उसके करिस्पॉन्डिंग जो सरफेस आ रहा है उसको एस वन कह रहे हैं, और जो जेड इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आ रहा है ये ऊपर वाला पोर्शन जो आ रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस का इक्वेशन है जेड इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो उसको सरफेस को हम लोग एस टू मान रहे हैं। फॉर द अपर पोर्सन एस टू लेट एन टू बी द यूनिट आउटवर्ड ड्राउन नॉर्मल वेक्टर मेकिंग एंगल गामा टू विथ के। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ये ऊपर वाला पोर्सन आ रहा है ऊपर, तो उसमें हम लोग यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिए हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ये है, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल जो है वो N2 लिख रहे हैं। N2 यूनिट नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल के डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये सपोज करते हैं कि ये जो K होगा, K मीन्स Z एक्सिस के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होता है, तो Z एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर को हम लोग K कैप से डिनोट करते हैं। तो मानते हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो K के साथ कितना एंगल बना रहा है,
गामा टू बनाएगा, और ये ऑब्वियस है कि गामा टू जो है वो एक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम एंगल होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो जेड एक्सिस जो है जेड एक्सिस के पैरेलल वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। आप कोई भी फिगर लेकर के इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि लेट इन टू बी द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर मेकिंग एन एंगल गामा टू विथ की आई साउन इन फिगर, जैसा फिगर में है। हेयर गामा टू इज एन एक्यूट एंगल, गामा टू जो है वो निश्चित रूप से एक्यूट होगा। अब ये जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री सरफेस जो है, उसको हम लोग डी एस टू कह रहे थे। तो इफ़ डी एस टू इज प्रोजेक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, और इस डी एस टू को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, तो इस एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, ये जो है एलिमेंट्री एरिया, उसका एरिया को हम लोग डी एक्स इंटू डी वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि डी एस टू इज प्रोजेक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, देन दिस प्रोजेक्शन डी वाई बाई डी वाई इंटू डी एक्स, ये जो प्रोजेक्शन है डी वाई इंटू डी एक्स जो है ऑफ एस डी एस टू, डी एस टू का इज गिवन बाय डी वाई इंटू डी एक्स को कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मैं सरफेस इंटीग्रल में बताया हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉस गामा टू इंटू डी एक्स। कॉस गामा टू क्या हो गया कि ये जो गामा टू जो एंगल बना रहा है नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो वही कॉस गामा टू इंटू डी एस होता है, ये डी वाई इंटू डी एक्स निकल जाता है, इसका एक फॉर्मूला है। अब कॉस गामा टू निकलेगा कैसे, ये कॉस गामा टू कैसे निकलेगा, एन टू और के दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, एन टू डॉट के, या के को पहले लिखते हैं बाद में हम लोग एन टू लिखते हैं, के डॉट एन टू। तो कैसे निकलता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस गामा टू हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल गामा टू है, तो कॉस गामा टू। और ये यूनिट वेक्टर है के, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड वन, इन टू भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड वन, इन टू कॉस गामा टू। तो कॉस गामा टू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, के डॉट एन टू। तो यहाँ पर कॉस गामा टू के बदले के डॉट एन, और ये डी एस रहने दीजिए। तो ये नंबर हम लोग डाल देते हैं, नंबर फोर तक मैं किया हूँ, फाइव डाल देते हैं। तो डी वाई इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं के डॉट एन इंटू डी एस, लेकिन ये किसके लिए लिखेंगे, ऊपर वाला पोर्शन के लिए। अब सिमिलरली नीचे वाला पोर्शन के लिए बिल्कुल सेम चीज होगा, क्या होगा कि अगेन हम लोग हम ऐसा करते हैं कि अगेन लेट अस डिनोट द पोर्शन ऑफ सरफेसेस, सॉरी ये तो मैं लिख चुका हूँ दोनों के लिए, यहाँ से आप बढ़िएगा, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ कि फॉर द लोअर पोर्शन, अब हम लोग लोअर पोर्शन ले रहे हैं, लोअर पोर्शन S1, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग S1 कह रहे थे, कि लोअर पोर्शन S1 लेट N2, N2 के बदले हम लोग N1 कह रहे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो N1 कह रहे हैं, किधर होगा, इस पॉइंट को यहाँ पर हटा रहे हैं, ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए कि ये इसी डायरेक्शन में, या कोई भी डायरेक्शन नीचे ही डायरेक्शन होगा, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो है वो नॉर्मल वेक्टर हो गया, और ये नॉर्मल वेक्टर जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस इधर है, और इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल हो जाएगा, इस एंगल को हम लोग गामा वन करें, क्योंकि के का डायरेक्शन किधर होगा, के का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, तो के डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, गामा वन। तो मैं वही यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर द लोअर पोर्शन एस वन लेट एन वन बी द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर मेकिंग एन एंगल गामा वन कर देते हैं विथ के एज साउन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। हेयर गामा वन इज एन ऑप्टूज एंगल, ये निश्चित रूप से क्या होगा, एक ऑप्टूज होगा। क्यों ऑप्टूज होगा, आप जरा समझिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर में भी देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, नीचे बनेगा, और ये हमेशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, इधर आएगा, तो नीचे ही बनेगा, और के जो है के का डायरेक्शन उधर है, तो निश्चित रूप से के का डायरेक्शन उधर है, ये नीचे बनेगा, तो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, ऑप्टूज एंगल बनेगा। इफ डी एस वन, यहाँ पर डी एस वन कह देते हैं, डी एस वन इज द, ये जो एलिमेंट्री एरिया है इसको हम लोग डी एस वन से डिनोट कर रहे हैं, तो डी एस वन इज द प्रोजेक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, इसका हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर, तो देन दिस प्रोजेक्शन डी वाई बाई डी वाई इंटू डी एक्स, ये प्रोजेक्शन डी वाई इंटू डी एक्स ही होगा, ऑफ डी एस वन इज गिवन बाय, अब डी वाई इंटू डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसको, देखिए डी वाई इंटू डी एक्स को कैसे लिखेंगे, कॉस एंगल जो बनेगा वो पाई माइनस गामा वन इंटू डी एस होगा, पाई माइनस गामा वन, पाई माइनस गामा वन क्यों, क्योंकि ये जो है वो इस, ये वाला एंगल लिखना है हम लोग को, ये वाला एंगल लिखना है, तो ये कितना होगा,
क्योंकि इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमेशा ये जो है इस तरीके का एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये है गामा वन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस गामा वन। और कॉस पाई माइनस गामा वन का वैल्यू कितना आएगा, माइनस कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस गामा वन इंटू डी एस, तो ये माइनस कॉस गामा वन हो गया। और माइनस कॉस गामा वन, कॉस गामा वन को कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिख देता हूँ, के डॉट एन वन आएगा, उसमें एन टू था तो के डॉट एन वन, और यहाँ पर डी एस रहने दीजिए, इसको सिक्स कर देते हैं। और इसके पहले वाला जो मैं मिटा चुका हूँ उसमें डी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आया था, उसमें आया था के डॉट एन टू था, उसमें एन टू इंटू डी एस था, इसको नंबर हम लोग फाइव किए थे। अब यही दोनों का यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फोर फाइव एंड सिक्स, वी हैव फोर फाइव सिक्स तीनों का यूज करते हैं, तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल आया है डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका वैल्यू इतना आया था यहाँ पर, आर रीजन में इसको इंटीग्रेट करना है, एफ थ्री को एक्स वाई और एफ टू फंक्शन है, और किसके रिस्पेक्ट में डी वाई इंटू डी एक्स कर देते हैं, फिर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे एफ थ्री को डबल इंटीग्रल आर रीजन में एक्स वाई और एफ वन फंक्शन का वैल्यू है ये, और यहाँ भी डी वाई इंटू डी एक्स। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये जो रीजन आर में इंटीग्रेट करना था एफ थ्री को एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स वाई लिख नहीं रहे हैं हम लोग, सिर्फ एफ थ्री लिख रहे हैं, और डी वाई डी एक्स ये एफ टू क्या बता रहा है, एफ टू जो है वो बता रहा है कि अपर पोर्शन का है, तो अपर पोर्शन के लिए डी वाई बाई डी वाई इंटू डी एक्स हम लोग निकाले हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स ये अपर पोर्शन के लिए है, तो जो एलिमेंट्री एरिया है वो डी एस टू लिखेंगे, और ये डी वाई बाई डी एक्स लोअर पोर्शन के लिए है, तो यहाँ डी एस वन लिखेंगे, तो डी वाई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो गया के डॉट एन टू और डी एस टू। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो इंटीग्रेट करना है अब आर रीजन में नहीं होगा, किस रीजन में होगा, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट था तो हम लोग आर रीजन में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कर रहे थे, और फिर इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में बदल दिए, तो इस सरफेस का पोर्शन लिखना पड़ेगा कि किस सरफेस में इंटीग्रेट करना है, तो ये जो सरफेस है ये अपर पोर्शन के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो अपर पोर्शन के जो सरफेस है उसको हम लोग एस टू से डिनोट कर रहे हैं, तो एस टू में इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्स वाई जो प्लेन था रीजन आर में यहाँ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में जो इंटीग्रेट कर रहे थे, अब उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में ले गए और सरफेस इंटीग्रल में एस टू में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब डी एस टू आ गया, एक्स वाई नहीं रहा, अब यहाँ पर भी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए ये लोअर पोर्शन के लिए था, लोअर पोर्शन में एफ वन फंक्शन था, तो एफ वन फंक्शन है ये एफ थ्री लिखेंगे, और यहाँ सिर्फ एस वन इंटीग्रेट करेंगे, और डी वाई इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो लोअर पोर्शन के लिए डी वाई इंटू डी एक्स का वैल्यू इसमें एक नेगेटिव आया था, ये माइनस था, मैं मिटा चुका हूँ, ये माइनस था, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस जब इसका वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर खुद माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और डी वाई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो गया के डॉट एन वन डी एस वन। अब जरा देखिए क्या करते हैं कि ये एस वन का इंटीग्रल एफ थ्री का फंक्शन का और ये एस टू का इंटीग्रल है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब लोअर पोर्शन में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपर पोर्शन में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, और पूरे ऐड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट सरफेस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कंप्लीट सरफेस एस में हो गया और एफ थ्री फंक्शन का हो गया, और के डॉट एन टू और एन वन अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपर पोर्शन के लिए एन टू नॉर्मल वेक्टर ले रहे थे और लोअर पोर्शन के लिए एन वन ले रहे थे, तो अब एन वन और एन टू नहीं लिखेंगे, ये एन वन था तो n1 n2 नहीं लिखेंगे, पूरे सरफेस के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और यहाँ ds1 ds2 नहीं लिखेंगे बल्कि ds लिख देंगे। तो हम लोग अभी तक क्या प्रूफ किए, ये देखिए हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है भी किसका, डेल f3 डिवाइडेड बाय डेल z dx dy dz, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किए हैं, और f3 के डॉट n डी एस। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको नंबर हम लोग कर देते हैं, सिक्स तक हो चुका था, इसको सेवन कर देते हैं। अब सिमिलरली जिस तरीके से इसको किए थे, ये कौन सा पार्ट को किए थे हम लोग, सिर्फ डेल एफ थ्री बाय डेल जेड को किए थे, अब डेल एफ टू बाय डेल वाई का सिमिलरली करते हैं, तो सिमिलरली हम लोग कर रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल निकलेगा डेल एफ टू डिवाइडेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका वैल्यू भी इसी तरीके से होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, एफ थ्री है यहाँ पर, ये एफ टू फंक्शन है, एफ टू मतलब हो गया आपका
वाई एक्सिस के, अभी हम लोग एक्स वाई प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, उसको वाई जेड प्लेन पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो वाई जेड प्लेन पर ये एफ टू के लिए हम लोग करेंगे एक्स जेड प्लेन पर, तो एक्स जेड प्लेन पर ले करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जे डॉट एन डी एस, और नंबर एट कर देते हैं। एंड एक और इंटीग्रल निकालेंगे डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल जेड, सॉरी डेल जेड नहीं था यहाँ पर डेल वाई था, और यहाँ डेल एक्स है। अब देख रहे हैं कि डेल एफ टू डिवाइडेड बाय डेल वाई और डेल एफ वन बाय डेल एक्स है। तो जेड है तो यहाँ पर के आया, वाई है तो यहाँ पर जे आ रहा है, के डॉट एन यहाँ पर हो जाएगा जे डॉट एन, और जब हम लोग का यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा सरफेस इंटीग्रल एफ थ्री, और आई आ जाएगा आई डॉट एन डी एस। आप ऐसे याद रखें इसको कि जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन था तो के आया, वाई के रिस्पेक्ट में है तो जे, और एक्स के रिस्पेक्ट में है तो आई। सिर्फ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर किए हैं तो एक्स वाई प्लेन पर किए, जेड है तो एक्स वाई प्लेन पर, वाई है तो एक्स जेड प्लेन पर, और एक्स है तो वाई जेड प्लेन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, 7 + 8 + 9 ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है यहाँ पर, अब तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो डेल एफ वन, पहले इसी को लिखिए डेल एफ वन डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ टू डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री डिवाइडेड बाय डेल जेड, और इसका इधर क्या होगा ये डी एक्स डी वाई डी जेड रहने दीजिए, और इधर जो सरफेस इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, सभी से डॉट एन जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ये एफ टू है तो यहाँ पर एफ टू लिखेंगे, और ये एफ वन है तो यहाँ पर एफ वन लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप और प्लस एफ थ्री के कैप, और ये जो है डॉट एन जो है वो हम लोग कॉमन ले लिए, और यहाँ डी एस, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं, ऐसा रीजन लिए हैं जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो सरफेस को मैक्सिमम टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन अगर ऐसा कोई सरफेस हो जिसमें अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो टू से अधिक पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करे तो वैसे केस में क्या करेंगे, द थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू सरफेस व्हिच आर सच दैट लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट देम इन मोर देन टू पॉइंट्स, इन दिस केस वी सब डिवाइड द रीजन बाउंडेड बाय एस इनटू सब रीजंस व्हिच सरफेसेस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, वी अप्लाई द थ्योरम टू ईच सब रीजन एंड देन एड द रिजल्ट्स। हम लोग क्या करेंगे उसको कई पार्ट में बांट देंगे और ऐसे बांटेंगे ताकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम टू पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करें, और दो या दो से अधिक सब रीजन में डिवाइड कर देंगे और सभी सब रीजन में उस रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे, और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे, ऐड कर देने से हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।